शहर कोई भी हो समस्या सबके साथ है। बेंगलुरु में चयन क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुसैन को पिछले 40 दिनों में सैकड़ों फोन आ चुके थे। सबका एक ही सवाल, बच्चे का टीका नहीं लग पाया, अब करे तो क्या। डॉक्टर से मैं रेगुलर टच में थी व्हाट्सएप पे कि कितने दिन तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन तक पोस्टपोन कर सकते हैं। 27 तक था उन्होंने इससे बोला उस वजह से, पर तभी मैं नहीं आ पाई, आज एक्चुअली मिला। समस्या क्या है वो समझिए। लॉकडाउन में बाहर निकलने पर पाबंदी है, बाहर निकलने पर पुलिस रोक सकती है। सरकारी अस्पतालों का फोकस कोरोना पर, ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक बंद हैं। अगर टीके लग भी रहे हैं तो बच्चे को बाहर ले जाने पर इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि कोरोना का खतरा छोटे बच्चों को ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक लॉकडाउन के चलते बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई। पूरी दुनिया में करीब 12 करोड़ बच्चों को मीजल्स यानी खसरे का टीका नहीं लग पाया। लॉकडाउन की वजह से नियमित टीकाकरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और नियमित टीका लगवाने के लिए भी माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जाना चाहते। दुनिया के लगभग 1/4 ऐसे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं जिनको टीका नहीं लगा है या आंशिक रूप से लगा है। इनकी आबादी करीब 45 लाख और उनमें से लगभग सभी या 97% भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं। यानी लॉकडाउन में टीकाकरण में समस्या ही समस्या है। पेरेंट्स टेंशन में है, समाधान क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ टीकों को लगवाने में देरी की जा सकती है, लेकिन कुछ टीके वक्त पर लगाना जरूरी, क्योंकि अगर वक्त पर टीके नहीं लगे तो दूसरी बीमारियों का खतरा है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हमारे वकील से हॉस्पिटल से लेटर भी इशू कर रहे हैं कुछ पेरेंट्स को, जो जेन्युइन कंसर्न लेके आते हैं कि हमको वैक्सीनेशन करवाना है, लेकिन पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है। तो हम उनको व्हाट्सएप से के थ्रू उनके नाम और डिटेल्स भी के देते हैं, हम उनको लेटर में अपना एक्सपीरियंस लेटर के साथ रिसेंट देते हैं, इमेज अपना लेटर, ताकि वो दिखा के आराम से आ सके, ताकि पुलिस को ये पता चले कि ये ऐसे घूमने फिर तो नहीं आए थे, एक जरूरी कारण से। ये उपाय तभी कारगर है जब शहर में कहीं पर टीकाकरण हो रहा, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर इलाकों में वैक्सीन का इंतजाम ही नहीं है, समस्या गंभीर। यानी इस वक्त पेरेंट्स के सामने सबसे